फिर स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके इस चैनल में। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक सी एस सी भीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि सी एस सी के माध्यम से पीएमएलबीएम सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है। इस सर्विस में आप लोग श्रम कार्डधारी को आप लोग आधार इक्वासी के थ्रू से इनरोलमेंट कर सकते हैं और प्रत्येक श्रम कार्डधारी लोगों को इनरोलमेंट करने पर एक सी एस सी भीएलई को 100 रुपये का इंस्टेंट कमीशन भी मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं कि पीएमएलबीएम सर्विस क्या है और आप लोग किस प्रकार से श्रम कार्डधारी लोगों को आधार इक्वासी के थ्रू से इनरोलमेंट करेंगे और इससे लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। किसी भी श्रम कार्डधारी लोगों को इनरोलमेंट करने के लिए आप सभी लोग को डिजिटल सेवा पोर्टल पे आना है और यहाँ पर से आप लोग को सर्च करना है पीएमएलबीएम। पीएम लिखकर आप लोग जैसे ही सर्च करते हैं तो आप लोग को यहाँ पर से देखने के लिए मिलता है सी एस सी पीएमएलबीएम। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही जो भी एलबीएम का ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाता है। हालांकि इसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से सबसे पहले लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आप लोग को लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर से लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करते ही आप लोग सी एस सी के माध्यम से सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। आप सभी को बता दें इस सर्विस को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के माध्यम से इस सर्विस को लॉन्च किया गया है, जहां पर आप लोग देखेंगे कि टोटल जितने भी इनरोलमेंट करेंगे वो आप लोग को यहाँ पर से देखने के लिए मिलेगा और साथ में जितने इनरोलमेंट करने के बाद कम्प्लीट होते हैं उसको आप लोग को यहाँ पर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी श्रम कार्डधारी लोगों को इनरोलमेंट करने के लिए आप लोग को यहाँ पर से डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर से सेकेंड ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा सर्विसेज। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोग को कंप्लीट यहाँ पर सर्विसेज देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर आप लोग किसी का भी श्रम कार्ड के थ्रू से इनरोलमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली इनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी डोनेट कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग करेंगे। इसके बाद रिवील मॉड्यूल आप लोग को देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग किसी भी प्रकार से क्लेम करते हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर से देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोग अकाउंट का स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंडेट रिजेक्शन आप यहाँ पर से देख सकते हैं। किसी भी प्रकार से अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं, रीप्रिंट कार्ड कर सकते हैं, एग्जिट केस कर सकते हैं। तो जिस भी किसी का आप लोग श्रम कार्ड के थ्रू से इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग को इनरोलमेंट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इनरोलमेंट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर से 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला प्रधानमंत्री श्रम होगी मानधन योजना और दूसरा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और तीसरा आप लोग को देखने के लिए मिलता है नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन। तो आप सभी लोग को यहाँ पर से ई श्रम कार्ड के थ्रू से इनरोलमेंट करने के लिए आप लोग को प्रधानमंत्री श्रम होगी मानधन योजना इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप लोग को यहाँ पर से आ जाता है कि आप लोग जिस भी लोगों का इनरोलमेंट कर रहे हैं श्रम कार्ड के थ्रू से, अगर उन्होंने श्रम कार्ड बनाए हैं तो आप लोग को यस करना है, अदरवाइज नहीं बनाए हैं तो आप यहां पर से नो के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो यहां पर जैसे कि आपको बताया कि श्रम कार्ड के थ्रू से ही आप लोग को यहां पर से इनरोलमेंट करना है तो आप लोग को यहां पर से एस के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी इनरोलमेंट फॉर्म है वो ओपन हो जाता है और यहां पर से आप लोग देख सकते हैं सब्सक्राइब इनरोलमेंट प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन और यहां पर से आप लोग जिस भी किसी का श्रम कार्ड के थ्रू से इनरोलमेंट कर रहे हैं तो उसका आप लोग यहां पर से पर्सनल डिटेल को फिल करेंगे। सबसे पहले इंटर श्रम यूएन नंबर आने की आप लोग को यहां पर से श्रम कार्ड नंबर को आप यहां पर से इंटर करेंगे। श्रम कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आप लोग यहां पर से कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ को इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहां पर से आधार कार्ड नंबर को इंटर करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर से जो भी आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है उसमें ओटीपी सेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद आप ओटीपी को इंटर करेंगे। उसके बाद आप लोग सबमिट करेंगे तो यहां पर से जो भी उसका नेम होता है वो ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाता है। उसके बाद आप यहां पर से ईमेल आईडी को इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहां पर से मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप वेरीफाई के ऑप्शन में फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से इसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी को सेंड कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप ओटीपी को इंटर करेंगे और सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर से आ जाता है एड्रेस डिटेल, जो कि आप लोग जिस किसी का आप लोग कंप्लीट इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो उसका आप लोग यहाँ पर से स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर से डिस्ट्रिक्ट को नेम सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट करने के बाद एरिया का पिन कोड नंबर को इंटर करेंगे। उसके बाद यहां पर से अदर डिटेल आ जाता है, जो कि कैटेगरी रहता है। उसके बाद आप यहां पर से इक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे कि आप लोग जिस किसी का इनरोलमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली करते क्या है, उसका इक्यूपेशन क्या है, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाता है वेदर मेंबर बेनिफिशियरी ऑफ एनपीएस ईएसआई ईपीओ, यानी कि यहाँ पर से अगर उन्होंने पहले से एनपीएस अकाउंट या फिर ईएसआईसी या फिर ईपीएफओ में पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप नो के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से अगर इनकम टैक्स पेयर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से आई हेयर बाय एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फिल बैंक एंड नॉमिनी डिटेल, जिसके बाद आप लोग यहां पर से उनका नेम ऑफ बैंक, उसके बाद आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर आप इंटर करेंगे। उसके बाद आप लोग एक नॉमिनी को ऐड करेंगे। नॉमिनी ऐड करने के बाद उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से डाउनलोड मैंडेट फॉर्म आ जाता है, जिसके बाद आप लोग फॉर्म डाउनलोड करेंगे। उस फॉर्म में आप लोग को कस्टमर का फोटो और साथ में सिग्नेचर और जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड और साथ में उसका जो बैंक पासबुक है, सारे डॉक्यूमेंट को आप अटैच करेंगे। उसके बाद अपलोड मैंडेट फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप लोग यहां पर से डाउनलोड कार्ड के ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग को कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाद आप लोग यहां पर से डाउनलोड कार्ड के ऑप्शन में आके आप लोग को फाइनल सबमिट करेंगे। उसके बाद आप लोग कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट करके आप लोग कस्टमर को दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि बेसिकली ये सर्विस है क्या और लोगों को इस सर्विस से बेनिफिट क्या मिलेगा। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ई श्रम कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से बनाया गया है और बोला यह गया था कि फ्यूचर ई श्रम कार्ड से और भी सर्विसेज को लाभ देखने के लिए मिलेगा। तो आप सभी को बता दें, जो भी लोग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू से अपना ई श्रम कार्ड बनाए थे तो उसका आप लोग यहाँ पर से इनरोलमेंट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि ई श्रम कार्ड के थ्रू से इनरोलमेंट किया जाता है, जिसके बाद उसके जो भी बैंक अकाउंट होता है उसके एज के अकॉर्डिंग उसके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे करते हैं। उसके बाद जैसे ही उसका 60 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो उसको 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन के तौर पे दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होता है फॉर वर्कर लोगों के लिए। तो ऐसे में अगर आप एक सीएससी वैली हैं और अगर आपके आसपास वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनाए हैं मिनिस्ट्री लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से, तो उसका आप लोग यहाँ पर से ई श्रम कार्ड के थ्रू से इनरोलमेंट कर सकते हैं, उसे आप लोग इस डिटेल को बता के। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप लोग को यहाँ पर से पर इनरोलमेंट किस प्रकार से 100 रुपये का कमीशन मिलेगा। तो जैसे ही अगर आप लोग यहाँ पर सारी डिटेल को कंप्लीट फिल कर लेते हैं और साथ में आप लोग डाउनलोड कार्ड तक आप लोग अपने प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर से आप लोग को आपके सीएससी वॉलेट में 100 रुपये का कमीशन मिलेगा। तो इस वीडियो में आप लोगों ने कंप्लीट देखे कि बेसिकली पीएम एलवीएम सर्विस होता क्या और आप लोग किस प्रकार से इनरोलमेंट करेंगे, इससे लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, और हमने ये भी बताया कि आपको किस प्रकार से 100 रुपये का कमीशन भी मिलेगा। तो आई होप इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फाइव।